गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हो गया चाय का टाइम और आज रहेगा सरप्राइज पार्टी। सिस्टर ने बुलाया है लेकिन मैंने उनसे अब तो मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या प्लान होगा। और आज की चाय मेरे ये आउटफिट के साथ, ये है मेरा आज का आउटफिट। और फिर गुड मॉर्निंग टी ऑल ऑफ यू। आपको सबको पता है मुझे चाय बहुत। देखिए और ये बन रहा है कुछ कबूतरों के लिए हाइजीनिक बादाम काजू से कुछ बनता होगा। और ये है इन दोनों पापा बेटा का बनाना शेक। तो चलिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है, दूध कम दूध ज़्यादा केला कम पसंद करते हैं, और मुझे भी इसी तरह से पसंद है। लेकिन और यहाँ हो गई है मेरी पूजा, ये रहा मंदिर, क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी है। उसके बाद मैं करती हूँ चाय एंजॉय और फिर दिखाएंगे आपको एनिवर्सरी का, क्योंकि आज है मेरी सिस्टर की 25 मींस सिल्वर जुबली। और फिर देखते हैं कितना प्यारा सा डे जाएगा पिंक कलर के साथ। यहाँ ये भी नहा चुका है, रेडी हो चुका है। और फिर उसके बाद हम दोनों ही जाएंगे स्कूटी से और काफ़ी मस्ती होगी। चलिए, हाय नव्या, हाय सोनी। आज है इनका हाफ डे और टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो इन्होंने खाना नहीं खाया है। अगर इसकी मम्मी से पूछूंगी अगर इसने घर पे खाना खाया तो नव्या गई। अब बता सच में कि तूने खाना क्यों ना खाया? अच्छा, भूख नहीं थी या सच में खाना ना था? भूख ही नहीं थी मुझे तो, अभी खाया था हमने, मतलब शायद 10 ही बजे थे जब लंच हुआ था हमारा। क्या चीज खाई थी? पेटीज ही खाई थी बस, भूख नहीं थी। जब खाया था ना हमने, जब भूख ही नहीं थी हमें, तो फिर पक्का सच बोल रही है। कड़ी चावल तो आज हमने बनाया है सॉसी पास्ता, और ये है स्पाइसी पास्ता। जिस जिसको जैसा पसंद होता है वो वैसा खाता है। और ये देखिए किस किस का इतना क्रीमी पास्ता बनता है। तो ये रेडी हो चुका है हमारा सॉसी पास्ता, और इसमें है ये वेजिटेबल्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे कैप्सिकम है, ऑनियन है, रेड वाली वो है कैप्सिकम, तो उस हिसाब से काफ़ी क्रीमी बना है। और शिवम को पसंद है ठंडा होने के बाद। और क्लीनिंग वगैरह, और जस्ट अबाउट आपने देखा मेरे घर को धीरे धीरे मेकओवर हो रहा है, तो उसी हिसाब से मैं वो इस तरह की अपडेट देती रहूंगी। और अभी हम बैठे हैं अपने लिविंग एरिया में, अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं और लंच एंजॉय कर रहे हैं। तो जॉइन अस, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा भाई और भाभी आए थे, मैंने दिखाया था, तो उसी के जस्ट बाद मैंने ये बनाया। उस पर टाइम नहीं था क्योंकि उसे बच्चे लेने थे, और सोनी की आज वैक्सीन हुई थी और उसके बाद आएगा, हाँ स्कूल से वैक्सीन हुई थी। तो जिन जिन के भी बच्चे डाउन टू 17, हाँ तो 17 ईयर के नीचे जितने भी बच्चे, 13 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन आ चुकी है। और जिनको भी मतलब ये कंफर्म करना हो अपनी वैक्सीनेशन को करे इन्फॉर्मेशन, और फिर स्कूल के दौरान ही सेफ्टी से अपने बच्चों की सेफ्टी करे, और वैक्सीनेटेड कराने के बाद ही स्कूल में अटेंशन करने दे। तो शिवम कैसा बना पास्ता? बहुत क्रीमी और यम्मी। मैंने खा लिया है, अब ये खा रहा, तो बाय बाय। और यहाँ देखिए जय श्री राम की टोली बनाते हुए कितनी सारी बड़ी रेली निकल रही है जो मैंने देखा। तो करते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू सिस्टर के यहाँ चलने के लिए। पहले भरवाएंगे पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आपने देखा है लाइन काफ़ी लंबी है। तो हम चल रहे हैं सरप्राइज देने के लिए, आप सबको बताइए रहे सुबह मॉर्निंग में हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो, लेकिन अभी मैंने जस्ट बात करी तो सब वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि मतलब मैं जाऊंगी या ना जाऊंगी। सुनील जी से ले लिए इन्फॉर्मेशन, उन्होंने इजाज़त दे दी है जाने के लिए। तो चलिए, रहा एनिवर्सरी व्यू और हम आ गए हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए। और ये है हमारी एनिवर्सरी घर, ये है इनका आउटफिट, तो देखिए
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और ये आइए करिए विश अपनी सिस्टर को। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, वेरी गुड। और ये रहा डेकोरेशन, वाओ व्हाट्स अ लुक अप। और इनकी है 25 वाली एनिवर्सरी और डेकोरेशन काफ़ी प्यारी लग रही है। और उसके बाद केक ओपन होंगे, फिर देखिएगा क्या व्यू जाएगा। ये रहा कितना प्यारा। और अब आएंगे जिया जी रेडी। जो सरप्राइज वाली पार्टीज होती है ना उसका रियली में मजा ही कुछ और होता है। तो ये है सरप्राइज पार्टी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, हैप्पी मैरिज। तो ये है 25 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, क्योंकि इन्होंने 23 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छे से मनाया था। तो ये सरप्राइज गिफ्ट मेरी दी और जीजू के लिए। केक वगैरह आ चुके, केक दिखाते हैं ओपन करके। फ्रेंड्स किस तरह आ गए हैं, डबल डोर से हो रही है ओपनिंग, करिए। वाओ वाओ ब्यूटीफुल, टमाटरी कलर का केक कितना प्यारा। एंड सेकेंड इज, तो फ्रेंड्स हमारे घर के सामने दुकान है ना, उससे मंगाए हैं हमने यहाँ पर। और ये चॉकलेटी, वाओ केक। और यहाँ पे मेरी सिस्टर के बच्चे हमें छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हम जाना था स्कूटी पे। तो वो बोलने लगे रात काफ़ी हो रही है तो साथ साथ निकलते हैं, उसके बाद आप निकल जाना। तो बाय बाय करते हैं। और रात में यहाँ रखी थी बारात, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ काफ़ी सारा, क्योंकि ये सीजन चल चुका है मैरिज का। तो हम भी रेगुलर मैरिज अटेंड कर रहे हैं, तो आगे भी दिखाऊंगी आपको कंटिन्यू। हमारी नोएडा सिटी ने कितना चेंजमेंट ले आए, मार्केट इतनी टॉप क्लास, क्या विदेशों में मतलब लोग घूमते होंगे जिनके लिए जाते होंगे, उस तरह की बिल्डिंग तो हमारे यहाँ पर आम हो चुकी हैं। तो इस वजह से अपने देश में रह के भी हम काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। ये सब लोग बात भूल जाएं कि बाहर देश में ही सब कुछ है, करने वालों की कहीं पे भी कमी नहीं होती। इंडस्ट्रियल एरिया है नोएडा, देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग है, कितने अच्छा एनवायरनमेंट। तो अपने से बनता है इंडिया, वी आर द इंडिया एंड आवर इंडियंस आर ऑलवेज बेस्ट। देखिए ये मेकओवर कहीं बाहर से नहीं आया, ये हमारे ही देश के लोगों ने तैयार करी है बिल्डिंग, कितनी प्यारी प्यारी है। देखिए इनका क्या क्लास कहें, देखिए डायमंड प्लाजा, गौर सिटी मॉल, आसपास रेचॉन सिनेमाज, कितनी प्यारी लोकेशन है। तो ये बनाई थी मैंने सेलिब्रेशन के लिए इंस्टा रील्स, और अगर आप मेरी इंस्टा रील देखना चाहेंगे तो पूजा सुनील शर्मा के नाम से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी तरह इंजॉय करते हुए आगे चलते हैं। हमने काफ़ी मस्ती की, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अगेन, और पार्टी इस तरह से ही चलती रहेंगी। आगे जाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड के शादी के लिए। तो ये है मेरी ड्रेस कोड जो मैंने वहाँ पे कैरी किया था। स्कूल की चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसकी मैरिज है, वो कंटिन्यू बिजनेस में लगी हुई थी, मैं अपने प्रोफेशन को चेकआउट कर चुकी थी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।